हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर टू कौन से एक्सरसाइज का? 3.2 एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्यों लंबी होने वाली? क्योंकि मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब लीनियर इक्वेशन देखते हो, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप देखते हो ना, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है तीन टाइप की कंडीशन आपको दिखेगी। मतलब जब भी आप लीनियर इक्वेशन को देखते हो ना, या तो वो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हो तो वो दोनों जो लाइन है ना, या तो पैरेलल रहती है, ठीक है, या तो फिर वो लाइन सेम रहती है, सेम, ठीक है ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती है, या तो फिर वो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करती, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ही कंडीशन आप देखोगे। ये तीन टाइप के कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक बोलते ना कि पैरामीटर है। वो पैरामीटर कैसा है, तो चलिए देखते हैं पैरामीटर के बारे में और समझते हैं उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है उसको। सो अब जब आपको पता है कि पैरेलल है, ये कौन सा लाइन है, कोइंसिडेंट, हम एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं ये कौन सा लाइन है आपका। ये है पैरेलल, ठीक है, ये है कौन सा, पैरेलल। ये कौन सा है आपका, ये है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। ये तीन केस आपको देखने मिलेंगे। कब देखने मिलेंगे, कैसे देखने मिलेंगे, चलो देखते हैं। आपको ये पता है कि कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, a1x + b1y + c1 = 0, पैर है ना, पैर मतलब दूसरा भी आएगा, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, इस फॉर्म में होता है आपका इक्वेशन। या तो इसको यहां पे ना लिख के मैं काम करता हूं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। दो टाइप के ऐसे इक्वेशन होते हैं। अब देखो, अब कभी आपको, अब कंडीशन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब कभी आपको अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल मिला और वो नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, ठीक है, देखो ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपके पास वैल्यूज है, कोएफिशिएंट्स है एक्स वाई के। सो अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा आता है, आप सब वैल्यू डालो, ए बी सी का वैल्यू डालो इसमें, और आपको अगर इस तरीके की कंडीशन आती है कि ये जो इक्वल है बट ये जो रेशो इक्वल नहीं है, तो वो कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन, ठीक है, वो कौन से लाइन में आता है, पैरेलल लाइन में आता है। और उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन की बात करूं मैं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ऐसा आ रहा है तो आपका लाइन कौन सा हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके की कंडीशन आएगी तो कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैपिंग लाइन, एक के ऊपर एक, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन बहुत ध्यान से देखो, a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है, बाकी तो c1/c2 तो छोड़ ही दो, क्या है क्या, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर a1/a2 is not equal to b1/b2, तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सो अगर, अभी देखो, अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन मिला है हमें, क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है, अगर ऐसा मिलेगा कंडीशन तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर ओवरलैपिंग लाइन हो तो, ठीक है। अब देखो ना, ओवरलैपिंग है तो हर पॉइंट पे तो सॉल्यूशन मिल ही रहा है, हर पॉइंट पे एक दो लाइन एक दूसरे को टच कर ही रहे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का आ जाएगा कंडीशन यहाँ पे, मतलब ये आपको कंक्लूजन हो जाएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है हमारे पास। जहां तक पैरेलल लाइन की बात करूं, अगर पैरेलल लाइन है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि वो कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करती है, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, समझ में आ रहा है।